गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रोनिक एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड 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 बट द बेस्ट। और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए। गाइस मैंने मंगवाए हैं मीशो से कुछ बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल ट्रेंडी एंड डिजाइनर पाकिस्तानी ड्रेसेस। में बहुत टाइम से ना इन्हें शेयर करने का सोच रही थी लेकिन बन नहीं पा रहा था, लेकिन आज ये हो गया है। तो जो भी कुछ ड्रेसेस मैंने मंगवाए हैं ना, उन्हें आप शादी पार्टी हर जगह वेयर करके जा सकते हैं, क्योंकि वो सारे डिजाइनर है, दिखने में अच्छे लग रहे थे जब मैंने ऑर्डर किया था। यहाँ पे रखे हुए हैं, अब ये करके देखेंगे कि मैंने कौन कौन से सूट ऑर्डर किए हैं और वो कितने अच्छे हैं। देखते हैं कि मैंने कौन कौन से सूट ऑर्डर किए हैं। लेकिन उसके पहले आप करोगे मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो क्या करो, ये मेरे इंस्टा की आईडी है। और अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पाकिस्तानी सूट मैंने मंगवाया है वो आप खुद चेक करो, देखने में कितना प्यारा लग रहा है ना। सचमुच ये बहुत अच्छा लग रहा है यार, लड़की कितनी अच्छी लग रही, फेस नहीं दिख रहा लेकिन जो कपड़ा है, ड्रेस है, डिजाइन है वो काफी अच्छा लग रहा है। और इसका नाम है कुछ 000516 पर्पल। तो वो हमारा ब्यूटीफुल सा पाकिस्तानी सूट है यहाँ पे, ये देखो आप। वाओ ये कितना अच्छा लग रहा है यार ऐसे देखने में। चलो देख लेते हैं ओपन करके। यहाँ पे ना मीशो पे मैं आपको बहुत पहले से शायद बताते हुए आ रही हूँ कि ना वो लोग जो डिस्क्रिप्शन है ना प्रोडक्ट का, वो अब नहीं दे रहे, पता नहीं क्यों, क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है। तो जो कपड़े का मटेरियल है ना वो हमें खुद ही समझना पड़ेगा। और ये जो कपड़े का मटेरियल है ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है, और जो दुपट्टा है वो हल्का सा जॉर्जेट वाली फैब्रिक की फैमिली से है। और ये आप चेक करो, ये है हमारा बहुत ही खूबसूरत सा टॉप। और ये बहुत ही मतलब मजे का जो फैब्रिक है ना, एकदम शाइन कर रहा है। तो एकदम शाइनिंग वाले ऑर्गेन्जा फैब्रिक में हमें ये सूट स्टिच करके मिलता है। सबसे प्यारी जो चीज है ना वो इसकी स्लीव है, ये देखो आप, लग रही है ना कितनी मजेदार। बहुत ही प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी हमें इसकी स्लीव में करके मिली है, फ्रंट एंड बैक दोनों ही साइड पे। बॉर्डर पे कुछ इतनी खास डिजाइन है नहीं। वैसे आप इसका ये नेक चेक करो, इसका जो नेक है ना वो मुझे हल्का सा डीप लग रहा है फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से। गाइज ऑर्गेन्जा में भी ना बहुत सारे टाइप आते हैं। ये जो बिल्कुल सॉफ्ट वाला ऑर्गेन्जा होता है ना, वो वाला ड्रेस है ये। सच्ची में इतना सॉफ्ट है ये टच करने, मुझे लग रहा था कि चुभेगा ये वेयर करने के बाद, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल गलत सोच रही थी मैं। तो आप इसकी डिजाइन चेक करो, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। और ये देखो आप, बॉर्डर पे आपको बहुत ही अच्छी मजे की ऐसी एम्ब्रॉयडरी करके मिलती है। इसके बाद बिल्कुल सेम मटेरियल का हमें ये पैंट रिसीव हुआ है। और ये देखो आप, वाओ कितना सोना लग रहा है। और पैंट में भी आपको अस्तर डाल के मिलता है, ये देखो आप, बहुत ही मजेदार। और उसके बाद बॉटम पे आपको ऐसी एम्ब्रॉयडरी करके मिलती है फ्रंट एंड बैक बोथ साइड, दोनों ही लेग पे। कभी ऐसा हुआ कि एक जगह आया है और एक जगह नहीं आया हो। इसके बाद हमें मिला है ये दुपट्टा, ये देखो आप, दुपट्टा हमें ना जॉर्जेट का मिला है, ठीक है। वहां पे दुपट्टे में ना लेस लगी हुई थी, और ये दुपट्टे में ना इन लोगों ने ऐसी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, दिख रही है आपको, चारों ही साइड पे ऐसी एम्ब्रॉयडरी करके मिलती है पूरे दुपट्टे में, थोड़े थोड़े ऐसे डॉट में वर्क करके मिलता है, ठीक है। तो मैंने इसको ऑर्डर किया है इन एन ओनली 1740 विच इज वर्थ। अच्छा ड्रेस है, जरूर जरूर ट्राई करना। और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट ड्रेस। इसके बाद मैंने ऑर्डर किया था ये न्यू डिजाइनर हैवी फॉक्स जॉर्जेट पाकिस्तानी सूट, और वो हमारा पाकिस्तानी सूट है यहाँ पे, ये देखो आप, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। तो ओपन करके देख लेते हैं कैसा आया है। और ये निकल गया हमारा सूट, क्या ही बात है। तो ये है इसका कुर्ता, और मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये मेरे साइज से कुछ ज्यादा ही बड़ा आया है, पता नहीं क्यों। शायद मैंने इसे फ्री साइज में ऑर्डर किया था क्योंकि वहां पे ना और कोई ऑप्शन था ही। वैसे आप इसका ये नेक चेक करो, वाओ ऐसे छोटे नेक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और आप इसकी डिजाइन देखो, पहली बात तो कितनी प्यारी कढ़ाई की हुई है इन लोगों ने इस पे। गाइस लुक एट दिस, काफी लॉन्ग स्लीव है, और उसके बाद यहाँ पे ऐसी लटकन वाली लेस लगी हुई है फ्रंट एंड बैक दोनों साइड पे, ये चेक करो आप। इसका जो फैब्रिक का मटेरियल है वो जॉर्जेट है, और ये देखो आप। इसके बाद हम आने लगे हैं नीचे, तो ये देखो आप, साइड में आपको बहुत ही मजे की एम्ब्रॉयडरी करके मिलती है, प्लस मिडल में भी आपको अच्छी खासी एम्ब्रॉयडरी मिलती है जब आप थोड़ा सा नीचे आओगे। और आप इसका दामन चेक करो गाइस, कितना प्यारा लग रहा है ना, कितना अच्छा वर्क किया हुआ है इसपे। अगर आप किसी शादी पार्टी में जाने की सोच रहे हो ना, कहां दिक्कत आ रही, गर्मी का सीजन चल रहा है, जॉर्जेट तो आप पहन ही सकते हो। और इसके बॉटम पे आपको ऐसी लटकन वाली लेस मिलती है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बैक साइड में मैंने आपको बताया नेक पे ऐसी एम्ब्रॉयडरी की है बहुत ही छोटी सी, जो की काफी अच्छी लग रही है। और उसके बाद आप चेक करोगे ना तो आपको बॉटम पे ऐसी डिजाइन मिलती है, मोटी वाली काजू कतली लग रही है ये। दामन पे ना आपको बैक साइड के ऐसी वाली लेस मिलती है जो थोड़ी सी छोटी है लेकिन अच्छी है क्योंकि ऊपर भी तो डिजाइन है ना। इसके बाद हमें इसके साथ रिसीव हुआ है ये प्लाजो, वाओ ये देखो आप, कितनी अच्छी डिजाइन है प्लाजो पे। ये जो टॉप है इसमें भी अस्तर डला हुआ है, और ये जो प्लाजो है इसमें भी अस्तर लगा हुआ है। हैव अ लुक, बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा सा आपको ऐसी एम्ब्रॉयडरी करके मिलती है आपके प्लाजो में फ्रंट एंड बैक दोनों ही साइड। इसके बाद हमें रिसीव हुआ है इसका दुपट्टा, और दुपट्टा देखो यार वाओ, लेकिन ये कितनी बड़ी
बड़ी लटकन लगी हुई है इसमें, अभी मैं दिखा रही हूँ आपको ओपन करके। तो दुपट्टे के चारों ही साइड पे आपको मोटी मोटी ऐसी लेस लगा के मिलती है और दो साइड पे आपको ऐसी लटकन लगा के मिलती है। ये लटकन देखो आप कितनी बड़ी है यार, ये इतना अफोर्डेबल है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है इसको, ओनली इन रुपीज 1783। कपड़े की क्वालिटी देखने के बाद ऐसी चीज है ये, तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट ड्रेस। इसके बाद मैंने ऑर्डर किया था ये काश्वी फैशनेबल सलवार सूट एंड ड्रेस मटेरियल्स। अरे ये क्या लिखा हुआ यार, ये तो इन लोगों ने ड्रेस का नाम लिखा हुआ ही नहीं, ये अपने ब्रांड का वो कर रहे हैं प्रमोशन, काश्वी फैशनेबल सलवार सूट एंड ड्रेस मटेरियल। वैसे नाम से क्या करना, मैं आपको ड्रेस दिखा देती हूँ। तो ये देखो आप, यहाँ पे है हमारा काश्वी का ये जो भी बोलते हैं, इसे ओपन करके देख लेते हैं। मेरे हिसाब से तो ये गरारा सूट है विथ शॉर्ट कुर्ती एंड दुपट्टा। और ये देखो आप, ये निकलने लगा है हमारा खूबसूरत सा सूट, वाओ लुक एट दिस। तो ये है हमारा टॉप और मुझे लग रहा है कि इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है अकॉर्डिंग टू पिक्चर, क्योंकि उसमें ना छोटी शॉर्ट कुर्ती थी। वैसे आप ये चेक करो, ये इसका नेक है बहुत ही खूबसूरत सा, और ये क्या है यार, ब्लू कलर की एम्ब्रॉयडरी है। मतलब मैं सोच रही थी ना कि थोड़े से टिकली मोती ऐसे डायमंड शायमंड लगे होंगे इस पे, मुझे नहीं पता था कि धागे से इसकी कढ़ाई की हुई होगी। तो ये देखो आप, ये इसका नेक है और नेक पे आपको कुछ ऐसी एम्ब्रॉयडरी करके मिलती है यहाँ तक, ठीक है। और बाकी पूरे ड्रेस पे आपको छोटे छोटे से फ्लावर्स गोल्डन कलर के मिल जाते हैं। और आप ये चेक करो, ये इसकी स्लीव है, स्लीव पे भी आपको ऐसी डिजाइन मिलती है, हल्का सा ना कैमरे का कलर चेंज हो रहा है ये इसके कलर की वजह से। तो ड्रेस के बॉर्डर पे आपको बहुत ही प्यारा सा ऐसा वर्क करके मिलता है, आप चेकआउट कर सकते हो। और इसके दामन पे ये देखो आप, ये बहुत प्यारा लग रहा है ना यार, अच्छा लग रहा है, वाओ। अगर थोड़ा सा डायमंड का वर्क भी इसमें होता ना तो ये इतना खूबसूरत लगता, लगता ही नहीं मीशो से आया है। तो बैक साइड का जो हमारा ड्रेस है वो बिल्कुल प्लेन है, मुझे लग रहा है कि इसका गला थोड़ा सा बड़ा है या फिर ठीक है, वो तो वेयर करने के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद हमें रिसीव हुआ है ये गरारा, मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगता है, अगर थोड़ा सा और लाइट हो। ये ना मस्क मेलन का कलर है ना, खरबूजे का। तो ये देखो अब यार, बहुत ही खूबसूरत सा गरारा है, प्लस इसके अंदर ना अस्तर भी लगा हुआ है, ठीक है। तो जो गरारे का फैब्रिक है वो हमें जॉर्जेट में रिसीव हुआ है, जबकि कुर्ते का जो फैब्रिक है टॉप का वो हमें वेलवेट में रिसीव हुआ है। ये क्या कॉम्बिनेशन है समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपको ढेर सारी चुन 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 मिलती है फ्रंट एंड बैक दोनों साइड पे। और उसके बाद जो गरारे का बॉटम पार्ट है उसमें आपको ऐसी एम्ब्रॉयडरी करके मिलती है, और अगर आप और नीचे आओगे तो आपको बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी करके मिलती है। आप खुद चेक करो आपको कैसा लग रहा है ये यार, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मस्क मेलन वाले कलर पे गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी इज रॉकिंग, और काफी अच्छा घेर है यार इसके अंदर। उसके बाद हमें रिसीव हुआ है ये नेट का दुपट्टा, और ये नेट ना थोड़ी सी टाइट है, ऐसी नेट से ना मेरी बॉडी में कुछ होने लगता है। सो गाइज लुक एट दिस। तो ये है हमारा दुपट्टा जो कि बिल्कुल नेट का है, और इसके ऐसा लग रहा है कि सैटन रिबन लगी है ये, और ये सैटन रिबन ही है, ठीक है। अगर हल्का सा धागा इसका निकला ना तो ये खुलती चली जाएगी। प्राइस देख लेते हैं इसका कितने का है, क्या अफोर्डेबल प्राइस में मैंने इसको परचेस किया है। इन एंड ओनली 1389 विच इज वर्थ इन टू इनफाइनाइट। बहुत अच्छा कपड़ा है, अगर आप इसे पहनना चाहते हो ना शादी पार्टी हर एक जगह पे आप इसको कैरी कर सकते हो। सच्चे में विदाउट एनी सेकंड थॉट परचेस करो। और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट ड्रेस। इसके बाद का जो हमारा सूट है ना वो आप फोटो से पहचान लो, ये पाकिस्तान की बहुत ही फेमस वाली एक्ट्रेस है, हानिया है कि हायना है समझ में नहीं आता है मुझे। तो ड्रेस का जो नाम है ना वो बहुत ही यूनिक सा है, 1612। तो मैंने भी ये ड्रेस ऑर्डर कर लिया है, ओपन करके देखते हम कि कितना दम है इस ड्रेस में, ठीक है। ओके वाओ, तो ये निकल गया है हमारा बहुत ही जबरदस्त सा पाकिस्तानी सूट गाइस। अरे वाह, अच्छा लग रहा है यार ये तो देखने में गाइस, आप ये चेक करो, ठीक है। आप इसका नेक चेक करो, और आप ये फोटो में नेक चेक करो, नेक तो इसमें बिल्कुल इसका पैक है, ऐसा कैसे हो सकता है यार। बहुत ही प्यारी सी इसमें एम्ब्रॉयडरी की हुई है लोगों ने, आप देख रहे हो ना। और ये है इसकी बहुत ही खूबसूरत सी स्लीव, इसका जो फैब्रिक है वो है जॉर्जेट, इन लोगों ने इसे कॉपी किया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। लेकिन अगर नेक भी बिल्कुल वैसी होती ना तो ये मतलब पता ही नहीं चलता कॉपी है कि शॉपी है। तो बहुत ही प्यारी आपको इसमें कढ़ाई करके मिलती है स्लीव पे, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड पे। उसके बाद ये वाली स्लीव भी देख लो आप, सेम डिजाइन है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ना तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे इसके साइड में भी लोगों ने बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, ऐसे सेंटर में बहुत ही प्यारी ऐसी एम्ब्रॉयडरी की लाइन आ रही है। और फिर आप ये देखो कितना खूबसूरत सूट लग रहा है, आप इसकी एम्ब्रॉयडरी करीब से चेक करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है, लग रहा है ना अच्छा। और आपको ना
बॉटम पे ऐसी लटकन वाली लेस मिलती है यार। ये लेस कुछ अलग है ना, ये ग्लास वाली लेस है, ठीक है। इसमें ना ये कांच लगी हुई है यहाँ पे। तो बैक साइड से ये कुछ ऐसा है, बिल्कुल प्लेन सा, लेकिन जब आप नीचे आओगे ना, मतलब जैसी फ्रंट में थी ना वैसी बैक पे भी है, आप चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद हमें रिसीव हुआ है इसका पैंट। पैंट के बॉर्डर पे आपको ऐसी लेस लगा के मिलती है, जबकि फोटो में आप चेक करो उसका जो पैंट ना उसपे बहुत चौड़ी चौड़ी सी एम्ब्रॉयडरी की हुई है ना, और इसमें इतनी एम्ब्रॉयडरी नहीं है। और इसका जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट है, प्लस इसके अंदर अस्तर भी है। इसके बाद हमें रिसीव हुआ है इसका दुपट्टा। वाओ, अच्छा लग रहा है सच्ची में। ये देखो, तो दुपट्टे के बॉर्डर पे आपको ऐसी कढ़ाई करके मिलती है, प्लस यहाँ पे ना लेस भी लगी हुई है। लेकिन यहाँ पे आपको वैसी कढ़ाई नहीं मिलती, यहाँ पे सिर्फ लेस आपको मिलती है। बहुत प्यारा लगेगा जब आप इसको अच्छे से पेयर करोगे। तो मैं आपको उसका प्राइस बता देती हूँ। गाइज, मैंने इसको ऑर्डर किया था इन एंड ओनली 2040 रुपीज, विच इज वर्थ। वन ऑफ द फेवरेट ड्रेस है मेरा इस हॉल का, एक पहला वाला और एक ये वाला। तो आप इसको जरूर चेकआउट करना। और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट ड्रेस। इसके बाद मैंने ऑर्डर किया था ये वाला पाकिस्तानी सूट, विच इज पार्टी वेयर पाकिस्तानी कुर्ती सेट इन कलर ब्लैक। पहले तो आप इसकी डिजाइन चेक करो, कहां से तारीफ करूं और कहां पे खत्म करूं। तो पहले हम देख लेते हैं कि ड्रेस आया कैसे है, जो कि यहां पे रखा हुआ है। और इसे देखने के बाद तो लग रहा है जो नेक पे डिजाइन है बिल्कुल वैसी लग रही है ना। ये निकल गया हमारा बहुत ही खूबसूरत सा पाकिस्तानी ड्रेस, ब्लैक एंड गोल्डन का जो कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉम्बिनेशन। अगर आप देखोगे ना, मेरे ये ड्रेस में भी गोल्डन कलर के थ्रेड्स लगे हुए, ये आप चेक करो। और मैं क्या ही बताऊं कितनी प्यारी डिजाइन है इसकी नेक की, प्लस आप ये एम्ब्रॉयडरी देखो, कातिलाना अदाएं लगेंगी आपकी जब आप इसको पहन के निकलोगे। तो पहले तो आप ये चेक करो कितनी खूबसूरत डिजाइन है इसके नेक की। उसके बाद आप इसकी स्लीव चेक करो, विच इज अगेन वाओ। जब आप पहनोगे ना तो आपको प्रॉपरली यहाँ से दिखेगा, अभी ना ऐसा आधा यहाँ पे आधा वहां पे दिखता नहीं है। दोनों स्लीव पे आपको बहुत ही मजे की ऐसी सिक्वेंसेस वाली और थ्रेड वाली डिजाइन करके मिलती है। और उसके बाद जब आप नीचे आओगे ना तो ये देखो आपको बहुत ही खूबसूरत यहाँ से एक नीचे तक का बेल जाती हुई दिख रही है दोनों साइड से, ये वाली। और ये देखो आप, ये यहाँ से ना स्लिट है, ठीक है। फोटो में भी वो स्लिट था और यहाँ पे भी इन लोगों ने बिल्कुल वैसे ही पैटर्न दिया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ना इसका जो साइज है वो थोड़ी सी छोटी है एज कम्पेयर टू फोटो में जो लड़की पहन के खड़ी हुई है। आप इस पे थ्रेड एंड सिक्वेंस का वर्क चेक करो, कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी के साथ हमें रिसीव हुआ है ये पैंट। गाइस, पैंट का जो फैब्रिक है ये भी बहुत अच्छा है, इसमें आपको ना इलास्टिक लगा के मिलती है ऐसी वाली। और उसके बाद बॉटम पे आपको ऐसा वर्क करके मिलता है ना, काफी मिलता जुलता ये फोटो में जो पहन के लड़की खड़ी है। तो फ्रंट एंड बैक दोनों साइड पे आपको अच्छा खासा वर्क करके मिलता है। और उसके बाद ये है इसका दुपट्टा। दुपट्टा इन लोगों ने जॉर्जेट का दिया है। फोटो में जो लड़की वेयर करके खड़ी है ना, मुझे लग रहा था कि वो जॉर्जेट के मटेरियल में ड्रेस होगा। अगर मुझे पता होता कि ये वेलवेट में आने वाला है तो मैं शायद इसको नहीं परचेज करती। गाइस, दुपट्टे के चारों ही साइड पे आपको ऐसी वाली एम्ब्रॉयडरी करके मिलती है, ये देखो, ठीक है। बिल्कुल सेम है जैसा वो लड़की वेयर करके खड़ी है उसके हिसाब से। ये देखो आप, दुपट्टा भी काफी बड़ा है यार। और ये इतने अफोर्डेबल रेट में हमें मिला है, आप खुद चेक करो। मैंने इसको ऑर्डर किया है इन एंड ओनली 1284 रुपीज में ये हमें मिला है, क्या ही कहने, लाजवाब। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो विदाउट एनी सेकंड थॉट आप इसको परचेस कर सकते हो गाइज। और इसके बाद कुछ भी नहीं, मैंने बस 4 नहीं 5 पाकिस्तानी ड्रेसेस मंगवाए थे। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आया हो तो डू लाइक इट, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जल्दी से जाओ कमेंट करो, और तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड गाइस।